इस वक्त हम गाजियाबाद से वापस लौट रहे हैं मेरठ की तरफ। बीड़ी पी रहे क्या? खांसी उठ रही? बीड़ी वाले ना ये देखिए, इसे टैग मंगा जाए ना मुझे ना। ये जहाँ जहाँ क्रॉसिंग हो रहा ना, अब आगे जो वो है हाँ, उसको क्रॉसिंग हुई तो इसमें सुनची करके ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मेरे दिखा इतनी ऊंची कर दियो हाईवे को, कम से 40-50 फुट ऊपर दिखे है। 30 फुट होगा, 30 ज्यादा है। एक प्रक्रिया और करवा दी भाई, आप ध्यान करा, परिवार वाले तो आगे उठकर खड़े हो जाएंगे भाई। ये मिक्स करने के यहाँ का जो बात मिलते हैं, जिस भाई को लेना हो तो यहाँ ले सकते हो। ये मेरठ रोड पे ही है, रोड पे ही मार्केट है। भाई ये मैं मार्केट दिखा रहा हूँ, आपकी समझ का कुछ सौदा हो तो पहचान लेना। एक योरा देखो, अंग्रेजी शराब की दुकान है तो हाँ, कुछ इसके भी चाहने वाले हैं ना, माला में तो कोई आ नहीं दो, और बती दुनिया में शहरी हाँ, दुनिया जब रोड पर घूमने गए गाड़ी का नाम क्या है? पंच भैया, टाटा की पंच है। आज नसीब में भी बैठनी है हमारे। भैया हम आएंगे यहाँ सिख राजनगर, कहाँ तक चलेंगे? अब सीधे मोटे तक मुड़ जाएंगे बाएं को, फिर वहाँ से अपने अपने घर जाकर एक बार अपने अपने वाहन लेकर अपने घर की तरफ लौटेंगे। भाई आज पुनीत की मौसी थी छोटे वाली, उसका इंतकाल हो गया, गुजर गई बेचारी। वे कल ब्रेन हैमरेज हो गई था उनका अचानक ही, इंतकाल हो गया। भाई ये मेट्रो से बहुत फायदा हो गया, देखो नीचे का जाम खत्म हो गया। एक तो सड़क पे छा रहने लगी, पहले पेड़ रहे थे, अब जाए इसकी होने लगी मेट्रो की छाया। जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ था ना, फालिश वालिश का असर आ जाता और दुर्गति हो जाता। हाँ भाइयों, यहाँ से बाएं को मुड़ेंगे हम, सामने स्वराज की एजेंसी है। अब हमें जाना मोटे की तरफ। रास्ता ये किसी और गांव में यो जिनके खेत पड़े इनके तो मजा आ गया, इनके तो बहुत तकड़ा मुआवजा मिलेगा। क्या तकड़ी बिल्डिंग भाई, ये देखो देखो जंगल में मंगल हो गया। भाइयों इसी बिल्डिंग में जाना है हमें, ये यहाँ से राइट को गेट है। यहाँ कोई गाड़ी निकली, यहाँ को अंदर एंट्री होगी हमारी। ये बिल्डिंग है भाइयों, यहाँ हमें आना है। 5वें फ्लोर पे जाएंगे, गाड़ी भी इधर थाम दो, साइड इधर ही थाम दो।
ये मारी ठिया को खुटिया सामने UP 15D 9126। भाई ये है विंडोज का है मेडोज विस्टा। देखियो भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 10-11 मंजिल है। 12 भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम बड़ी परेशानी में थे। पुनीत की मौसी गुजर गई अचानक, कल उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। वे हमसे छोटी थी, अचानक पता लगा। कल पुनीत इसकी मम्मी देखने आए थे, लेकिन फिर सुबह खबर आई कि सुबह 6-7 बजे उनका इंतकाल हो गया, गुजर गई वे। हम फिर सुबह भागे अजर मजर करके, अब वापस लौट रहे हैं घर को। भाइयों आज पूरा दिन खराब गया, बहुत दुख की बात है। उनका 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, शादी होगी वैसे तो, बच्चे हैं वहाँ रहते हैं वे नोएडा। उनका 1 बेटा है, वो कह रहे थे लंदन में रहता विदेश में। वहाँ से आज जब अचानक कल पता लगा, बबलू नाम है उसका, भी नाम तो है विश्वास राठी, लेकिन बबलू कहते हैं। वो तो आ गया, लेकिन उसकी बहू और बेटी को कभी यह नहीं बन पाया। कैसे बोलते हैं टिकट उकट नहीं मिला, वो नहीं आ पाई। वो के लाया बेचारा, आ गया 10 बजे तक। बहुत अच्छी बात है, वो अंतिम क्रियाक्रम जो है बेटे के सामने हुआ माँ का। भैया उम्र ज़्यादा नहीं थी, 60 साल की उम्र थी। अचानक खाना बनाते बनाते गस खा गिर पड़ी, ब्रेन हेमरेज हो गया। पता टाइम का कोई पता नहीं किसका कब क्या हो जाए। इसलिए भाइयों समय से डरे, समय का कोई पता नहीं है। बहुत भली लेडी थी बेचारी, इसीलिए मैं कहता हूँ आदमी अच्छे काम करें, कम से कम याद बाद में याद तो आए उनकी। भाई अब हम वापस लौट रहे हैं, मैं पुनीत, हमारी लड़की टोली बैठी पीछे, 3 नहीं है, इनकी मम्मी तो वहीं रहेगी, वो तो कल परसों आएगी मेरे ख्याल। घर भी जाना बहुत ज़रूरी है भाइयों, वहाँ घर पे बबलू अकेला है, मेरे साथ पुनीत है, पुनीत गाड़ी चला रहा है। भाइयों दुख सुख में तो आना जाना पड़ता है ज़रूर, रिश्तेदार हो या गैर कोई भी हो। बहुत दुख हुआ हमें, वो बेचारे नंबर काट के चली गई। बड़ी तंदुरुस्ती स्वस्थ थी, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ बेचारी के। डॉक्टर तो बता रहे हैं ब्रेन हैमरेज हुआ है, गस खाया गिर पड़ी, खाना बना थी भर एडमिट कर दी। 24 घंटे रही आईसीयू में, रही वो 24 घंटे में ही बेचारी चल बसी। तो भाइयों समय का कोई पता नहीं, हमेशा अच्छा करो, समय का कोई पता नहीं। बाद में दो ही बात रहती है, अच्छाई बुराई साथ जाती है इंसान के। मैं तो कहता हूँ अपनी तरफ से कोई गलत नहीं होना चाहिए। नमस्कार।